हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आफ्ताब सानू। आप देख रहे हैं आफ्ताब ऑनलाइन टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि किसी का भी पैन कार्ड खो गया है, पैन नंबर भी पता नहीं है, तो सबसे पहले आप किसी का भी पैन कार्ड अगर डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से, अगर ई पैन डाउनलोड करिएगा तो सबसे पहले आपको पैन नंबर चाहिए ही। अगर पैन नंबर भी पता नहीं है तो सबसे पहले आपको पैन नंबर फाइंड करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किसी का भी पैन कार्ड खो गया है तो उसका पैन नंबर कैसे फाइंड करें और पैन नंबर फाइंड होने के बाद ई पेन कैसे डाउनलोड करें। तो चलते हैं, हम अपना स्क्रीन पर दिखाते हैं कि पेन कार्ड कैसे फाइंड करें और पेन कार्ड का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें। तो फाइनली दोस्तों, हम आ गए अपना स्क्रीन पर। तो आज हम देखेंगे कि पेन कार्ड कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले आप अपना कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा, जैसे हम क्रोम ब्राउजर ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर सर्च करना है pensearch.com। सर्च करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पर पिन नंबर सर्च पर क्लिक करना है। पेन नंबर सर्च पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर कस्टमर का नाम डाल लीजिएगा जिसका पेन कार्ड रहेगा। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के हिसाब से डाल लीजिएगा जो पेन कार्ड में होगा। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर का आधार नंबर डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप व्यू पर क्लिक करके देख सकते हैं कि जो आप फॉर्म भरे हैं वो सही है या नहीं है। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर पे एंड कंटिन्यू पर क्लिक कंप्लीट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर से पेमेंट कटा लीजिएगा, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या UPI या नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कटा लीजिएगा। 30 रुपये का पेमेंट कटेगा। पेमेंट कटाने के बाद 10 से 15 मिनट के अंदर आपका पेन नंबर यहां पर शो कर जाएगा। पेन नंबर मिलने के बाद पेन नंबर से PDF निकालने के लिए, अगर UTI का पेन रहेगा तो UTI से वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर NSDL का पेन कार्ड रहेगा तो NSDL के वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर जिसका पेन कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या मोबाइल नंबर लिंक है, अगर मोबाइल नंबर खो गया है तो उसके लिए यही वेबसाइट से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर लेकिन थोड़ा ज़्यादा पेमेंट कटेगा। यहाँ पर पेन फाइंड PDF पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फर्स्ट वाला लिंक पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर खुलने के बाद कस्टमर का नाम डाल लेना है, आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पेन नंबर जो वहाँ पर फाइंड कीजिएगा, यहाँ पर पेन नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मतलब कौन सा कैटेगरी से पेन कार्ड बनाया है। तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सबमिट कीजिएगा। जस्ट आपका 30 मिनट के अंदर पेन PDF आ जाएगा। तो फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में हम जाने कि पेन कार्ड खो गया है तो पेन कार्ड का PDF कैसे निकालें और पेन कार्ड का नंबर भी नहीं है तो पेन नंबर कैसे फाइंड करें। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। फाइनली दोस्तों, आज हम बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग पेन फाइंड का आईडी लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले में शो हुआ होगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर मोबाइल स्क्रीन में शो हुआ होगा और मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप वहां से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आईडी लेने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।